नमस्कार, मैं हूँ राशिका बजाज और आप देख रहे हैं जीएन भारत। झारखंड में 4 चरणों पर पंचायत चुनाव संपन्न होगा, इसके लिए राज्यपाल रमेश बैस ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। झारखंड राज्य अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायत निकायों के ग्राम पंचायत सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य के लिए चुनाव होगा। पहला चरण 14 मई, दूसरा चरण 19 मई, तीसरा चरण 24 मई, चौथा और अंतिम चरण 27 मई 2022 को होगा। पंचायत चुनाव में 4,345 मुखिया, 5,341 पंचायत समिति सदस्य, 536 जिला परिषद एवं वार्ड सदस्यों का चुनाव कराया जाना है। बता दें कि लगातार इनमें से सबसे पहले इस खबर को प्रकाशित किया था कि पंचायत चुनाव को लेकर इसी सप्ताह अधिसूचना जारी हो सकती है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सभी जिलों में कई तरह के कोषांगों का गठन किया गया है। सभी कोषांगों ठीक ढंग से काम करें, इसके लिए जिलों के सीनियर अफसरों को प्रभारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है। उनके साथ नोडल पदाधिकारी और कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति करने का काम भी राज्य भर में पूरा कर लिया गया है। सभी कोषांगों के प्रभारी के रूप में जिले के सबसे सीनियर अधिकारी को प्रतिनियुक्त किया गया है। इसके साथ ही 48 घंटे के अंदर जांच कर मतपेटियों का विवरण बनाने का निर्देश दिया गया है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें जीएन भारत के साथ। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।